वेलकम अगेन गाइस, तो आप सभी का स्वागत है किस नए ब्लॉग में। यहाँ से करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और भाई जैसे अपने थंबनेल में देख लिया था कि आज है निंजा का बर्थडे, और भाई मौसम तो काफी दिनों से ये वाला काम बना हुआ था, लेकिन मैं सोचा था कि आज सुबह सुबह करवाता हूँ ये पहले काम। तो ये वाले लगा सामने शीशा, तो साथ में इसमें लगा रहे हैं बीडिंग। और एक हमारे पास टेबल था, उसका जो टॉप का जो ग्लास था उसका साइज था 4 फुट, काफ़ी बड़ा था। अब इसको कटवा के मैंने राउंड में डी शेप में करवा दिया इसको 3 फुट में। अब लग रहा बढ़िया। तो बस आज का हमारा ये काम है कि इसको करना गेट को फाइनल। बहुत लंबा टाइम लग गया इसको। तो ये आ गया इसका भाई लॉक, तो इसको हम बनाएंगे भाई 2-in-1 में। तो वो आप देखते चलो कैसे बनता है ये वाला। तो अब देखो यहाँ से, अब ये वाला गेट, इस गेट का साइज जो है भाई 5 फिट बाई 6 फुट का ये गेट बन रहा है। और ये आ गया इसका बहरा, होल फास्ट, और जिसे कहते हैं इसको नट बहरा। और बाकी अब इसको लगा रहे हैं ये वाला हम ग्राउंड लॉक। तो इसमें हम लगाएंगे सरिया 16 mm का। और बाकी आपको एक बताता हूँ गेट में आगे से, ये वाला हमारा पल्ला बिल्कुल कंप्लीट है। ये वाला इसको कैप लगा कर दिया बंद ताकि पानी अंदर जाए ना इसमें। तो ये अगर गेट का ग्राउंड लॉक, तो इसमें लगाएंगे 16 mm का सरिया। और आपको देखने में लग रहा होगा कि इस गेट में इतना लाइट वेट क्यों बनाया गया, सारा इसमें लगाया गया 1 इंच का पाइप। तो एक्चुअली क्या इनका मेन गेट एक लगा हुआ है पहले से ही, तो इनके मेन गेट के आगे जितना भी स्पेस इनका बचा हुआ, तो वहाँ पर इन भाई इन्होंने लगाया हुआ अपना गार्डन एरिया वगैरह और खेत खलियान इनके। तो उसको आवारा पशुओं से बचाने के लिए इनको लगाना पड़ा ये वाला मेन गेट। तो इसलिए इसको सिंपल रखा गया, उसकी हाइट भी सारी जो नॉर्मल 5 फुट का इसको गेट बनाया गया ये वाला। तो जैसा कि आपने देखा सबसे पहले एक इसका होल फास्ट ऊपर वाला जिसको बोलते हैं नट बहरा। अब आप देखोगे ग्राउंड बहरा जो जाता है नीचे, तो ये वाला इसमें डलती है बीच में गोली। तो ये वाला सबसे बेस्ट वाला बहरा होता है ये वाला। और बाकी आ गया इसका नट बहरा। तो दोनों तरह के बहरे आपने देख लिए। अब इसकी ग्राइंडिंग वगैरह हो जाए तो फिर इस गेट को निकालते बाहर। तो इसको बाहर से आपको बताऊंगा मैं कि अब देखने में आपको कैसा कर इसका डिज़ाइन। तो इसको करते पहले फाइनल। तो फाइनली ये वाला गेट बन के तैयार हो गया भाई 5 महीने बाद। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अब आपने ही बताना इसकी फिनिशिंग आपको कैसी लगी कमेंट में। फाइनली आज जाकर ये वाला गेट का काम हुआ कंप्लीट। तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया। एक्चुअली क्या हुआ कि बीच में आपने देखा जैसे छोटे छोटे काफ़ी काम होते हैं जो प्लान में नहीं होते हैं, बस वो आ जाते हैं। तो बस उन कामों के चक्कर में भाई सारा काम आगे चला जाता है। बाकी ये वाला गेट आ गया, इसमें तो लगाएंगे टेम्पो कब्जे, इसको तो करेंगे ऑन द स्पॉट में फिटिंग। और बाकी ये रहा सामने से गेट। अब देखो यहाँ से तो 5 फुट बाई 13 फुट बहुत बड़ा गेट है भाई। तो जैसा कि ये गेट वाला काम काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ था, इसको कर दिया कम्प्लीट। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। तो इसके साथ में एक लिए था हमने ये ग्रिल वाला साइज भी, तो इसको भी करते कंप्लीट। तो इसको करते हैं फिलिंग, वो भी इस तरह से, इसमें 3 सरिये ऊपर आएंगे, 3 सरिये नीचे आएंगे। और बाकी इसमें भी करते हैं इसकी फिलिंग का काम शुरू। और एक ये साथ में आ गया थोड़ा सा हैंडल लगाना इसको, तो इसको लगाते हैं, इसमें तो लगाने पड़ेंगे हमें रिपटें। तो वाली रिपट करते हैं उसका जुगाड़। और बाहर का मौसम है भाई तगड़े वाला ख़राब, तो ऐसा करते खाते पहले खाना घर पे जाके और फिर वापस आते हैं। तो भाई घर तो पहुंच गए, लेकिन 15-20 मिनट में भाई इतना मौसम चेंज हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और काफ़ी अब तो लग रहा है जैसे बादल काफ़ी घने हो गए और ज़्यादा काले। तो बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। और तू बैठा अंदर अंधेरे में, बैठा तू अंदर, क्या हुआ मार पड़ी है, पक्का पड़ी है मार। चलो भाई देखते हैं खाते हैं। अब घर वाले भाई अपने काम में लगे हुए थे, तो आज देखो टाइम के चक्कर में नमकीन चावल और अचार। तो फाइनली अब चलते हैं दुकान पर। तो भाई एक्चुअली क्या हुआ, बीच में लग पड़ी थी बारिश, तो उस चक्कर में 15-20 मिनट बारिश ने लगा दिए। तो ये देखो अब बारिश बिल्कुल मौसम बढ़िया हो गया है, साथ में लग पड़ी अब धूप भी। भाई ये तो मौसम पालमपुर का भाई, कब बारिश हो जाए साथ में। बस तो अब मेन ये कि अब हमारा जो गेट है बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ गेट, अब उसको कल जाना फिट करने के लिए। और इसका जो पिलर लगेंगे साइड में, वो हमने पाइप मंगवा लिया, तो वो मंगवाना पड़ेगा हमें। बाकी जब तक वो पाइप आएगा तब तक हमारे पास जो टाइम बचा हुआ तो हम उसमें करेंगे। एक तो ये ग्रिल वाला काम करते हैं, ये ग्रिल वाला काम करते हैं।
और ये ग्रिल का काम है कजिन के, कल हम जो मोन्टी डाल कर आए हम शीट वाली, ये उन्हीं की ग्रिलों का काम चला हुआ है, तो ये वाला काम करते हैं। और एक जो हमने एल्यूमिनियम पार्टीशन वाला काम किया था, एक उनके बनने हैं हैंगर, बनने उनके हैंगर लटकाने के लिए स्टैंड बनेगा, तो वो बनाते हैं। उसका स्टील का माल वो भी यार स्टील का पाइप आर मंगवाया हुआ है, और बाकी तब तक देखते हैं, अब तब तक ग्रिल का काम करते हैं, उसके बाद करेंगे एसएस का काम। और बाकी मौसम जो बाहर बहुत खतरनाक है, ऊपर बाकी गेट वाला काम तो हमारा कल या परसों तक उसको जाते फिट करने के लिए। तो बाकी ये बचा हुआ ग्रिल वाला काम, तो ये ग्रिल वाला काम है भाई उनका, जिनके हमने ये वाली लास्ट ब्लॉक आपने देखा था स्टेयर क्लोपे वाला जो शेड डाल के आए हैं, ये उन्हीं की ग्रिल बन रही नीचे वाली, तो ये भी काफ़ी पेंडिंग काम है ये वाला भी, तो इसको भी करते हैं कम्प्लीट। और अब इसका फिलिंग का काम चला हुआ, तो ये भी 2-4 दिन में हो जाएगा कम्प्लीट सारा काम। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि आज निंजा का बर्थडे, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा 1.5 घंटा पहले ही। तो एक तो ये वाला काम करना है ग्रिल वाला, और साथ में एक बीच में काम जो आया है जो एल्युमिनियम की पार्टीशन की है उनका बनना है स्टील का हैंगर, वो हैंगर लटकाने के लिए बनेगा, एक स्टैंड सा बनेगा, तो उसका भी पाइप मंगवा ली है स्टील की। तो जब तक वो माल आता है तब तक ये ग्रिल वाला काम कर लेते हैं, बाकी देखते हैं वो कितना काम हो पाता है स्टील वाला भी। बाकी हमें जाना थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा आज पहले ही, क्योंकि अभी सामान वगैरह लेके आना है। बाकी आप यहाँ से देखो ये वाला, इसका आपको रीज़न बताता हूँ मैं, इसमें महंगे सिंपल 3 सरिये, ऊपर 3 सरिये, नीचे और बीच में महंगे 3 सरिये। जैसे आपने देखा होगा जो एक सिंपल सरिये वाली आती है उसमें बिल्कुल बराबर खाने होते हैं, लेकिन इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया उससे, बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये आ गया भाई स्टैंड के लिए राउंड पाइप, तो ये रहा स्टील का पाइप, तो इसकी अब कटिंग करते हैं पहले, उसके बाद इसको जोड़ते हैं, जितना टाइम हमारे पास है उतना हम इसको कर लेते हैं काम इसका, और फिर चलते हैं घर पे। तो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा प्लान में चेंज कर दिया, अब ऐसा करते हैं कि चलते सीधा घर पर, क्योंकि अब घर से फ़ोन आना हो गया शुरू, काफ़ी लेट हो गए आप, तो ऐसा करते हैं सामान भी लेना है, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा घर पर ही। तो चलो तो जितना जल्दी कर रहे थे उतना लेट, तो भाई फ़ोन पे ये सामान रह गया वो सामान, तो ये गुब्बारे के बीच में भाई टॉफियां भरने का जो सीन क्या है, ये पंगा क्या है, अगर कि आप में से किसी को पता है कि क्या सीन होता है इसमें, तो भाई एक बार जरूर बताना कमेंट में लिख कर। तो 5:30 करते करते भाई 6:30 हो गए हैं, और अब हमारा काम जाकर बिल्कुल फाइनल है, तो चलो आप भी साथ में। कहाँ गई वो कंपनी?
ये तरीके हो ठीक है सर, मुझे मार दे मार दे मार दे सबको मार दे। तो ये रहा भाई आपके लिए, जो भी ये देख रहा है लाइक कर दो क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो क्या मिलने वाला भाई इसमें, क्या है इसमें? खुल जा सिम सिम। ऐसा करते हैं कि भाई जितना प्रोग्राम तब हो गया बढ़िया से सारा, तो ऐसा करते हैं कि अब करते हैं डिनर। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ खाने के लिए। तो अब लपड़ी काफ़ी भूख, तो भाई अब आपको पता समोसा वगैरह से कुछ नहीं होता भाई, जब तक खाना ना खाए तब तक तो भाई तसली नहीं होती। तो देखते हैं, तो ऐसा करते हैं कि भाई अब बिना टाइम वेस्ट किए अब करते हैं खाना शुरू भाई, क्योंकि अब 10:30 हो गए लगभग और काफ़ी भूख भी तेज हो गई है। अब ऐसा करूँगा कि सिंपल भाई 2 चपाती लूँगा, और अब ऐसा करते हैं बैठते हैं पहले तसली से, क्योंकि भाई असली मज़ा जो भाई खाने का वो बैठ के ये तसल्ली से। तो वैसा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को लो सब्सक्राइब। तो आपसे मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में बहुत जल्द। बाय बाय।